ओके, नमस्कार सभी को। जैसा कि हमें पता है, जो सबसे बड़ा अवार्ड है, पद्मश्री, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सर को प्राप्त हुआ है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सो हम बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं कि आपने हमारा मंच चुना, और हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कुछ भी आपके बारे में बोलना बहुत ही औपचारिकता है, बट फिर भी मैं बोलती हूँ कि सर की जो मेन स्पेशलिटी है वो पेंक्रियाइटिस है। तो ये हमको सबको पता है, बट इसी के साथ और भी काफी चीजें हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोलॉजिकल और मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर्स हैं, उसमें भी सर की विशेष ट्रीटमेंट है। और जितने सर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स और बहुत सारे डिजीज का प्रोटोकॉल बनाया है, जैसे कि एलर्जिक राइनाइटिस, माइग्रेन, हेपेटाइटिस, न्यूट्रिशनल एनीमिया और पेनक्रियाटाइटिस, तो हमें पता ही है। तो ये सारी चीजें हमें अच्छे से पता नहीं थी, और वो भी सर ने बहुत अच्छे से प्रोटोकॉल दिया है पूरा, उसको सारी संप्राप्ति से क्योर तक, सारे उपद्रव से लेकर उसको स्वस्थ किया है। और 32 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, जो कि एक इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में भी जान लग जाती है लोगों की, तो 32 बहुत बड़ी बात होती है एक आयुर्वेद के वैद्य के लिए। और 2 इंटरनेशनल पेटेंट सर के द्वारा दिए गए हैं। और इसी के साथ मैं सर आपको बोलती हूँ कि ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, हमारा आयुर गंगे फैमिली को सुनने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू धन्यवाद। वैद्य, स्टार्ट करते हैं। तो मैं आज के आयुर्वेद गंगा मंच के आयोजकों, विशेषकर आशुतोष जी का और उनके सहयोगियों का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने मंच पर COVID-19 के काल में अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जैसा कि मैं आपको मेरा स्क्रीन पे दिख रहा है कि आप सभी लोग BMS के छात्र हैं, और BMS की एक परिभाषा आप लोगों के पास है जिसका नाम है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, परंतु वो एक कानूनी जामा है। मेरे पास जो BMS है उसको मैं बोलता हूँ ब्रिज बिटवीन आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस। और ये कोर्स की जब हम आयुर्वेद पढ़ने आते हैं तो सबसे पहले हमें कहा जाता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति माने इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। और मैं समझता हूँ कि आयुर्वेद पढ़ते समय, और इसी तरह जब हम मॉडर्न साइंस पढ़ते हैं तो उसमें रेफरेंस आते हैं। रेफरेंस माने इनकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई। हम जब भी कोई बात करें तो ये समझने के लिए बात करें कि ये शब्द कहाँ से आया, ये ज्ञान कहाँ से आया। तो आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और मेरे से उम्र में शायद 1/3 भी हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि BMS का जो व्युत्पत्ति हुई थी ये हमारे देश में एक परंपरा थी आयुर्वेद विद्यापीठ की, जहां पर संस्कृत पढ़े हुए और कर्मकांडी पंडित और वैद्य पैदा होते थे। वो जोशी भी होते थे, वैद्य भी होते थे, और वो हर चीज संस्कृत में करते थे। और उनका दायरा 80 वायु के रोग, 40 पित्त के रोग और 20 कफ के रोग, वो उसी तरह से काम करते, कोई बुरा नहीं था। परंतु उसी समय, कुछ समय के बाद हमारे देश में जब विदेशी राज कर रहे थे तो हमारी जनता ने उस विदेशी राज की जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति को अपनाना शुरू किया, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी खासियत थी। लोगों को एक्सीडेंट होता था, पैर टेढ़े जुड़ जाते थे, पर ऑर्थोपेडिक सर्जरी की जो उसमें विशेषता आई, उसमें मरीज को बगैर लिटाए उसको फटाक से शल्य चिकित्सा करके वो मोबिलिटी कर देते थे। इसी तरह एंटीबायोटिक्स आई, वो तेजी से काम करती थी। जिनका इम्यून सिस्टम ठीक होता था बच जाते थे, जिनका नहीं होता था हो जाते।
उस समय जब देश आजादी की तरफ चल रहा था तो हमारे देश में एक शख्स पैदा हुए, पंडित मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनको हम गांधी जी के नाम से, बापू के नाम से जानते हैं। तो बापू जिस समय पूरे देश को एक सूत्र में पिरो रहे थे, पर वो पूरे देश को एक नया रूप देना चाहते थे, एक नया भारत बनाना चाहते थे, तो उनको आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से और भारतीय जो हमारी परंपराएं हैं उनसे बहुत लगाव था। परंतु वो विदेशों में पढ़े हुए थे, उन्होंने विदेशी तकनीकों को भी देखा था, वो उससे भी प्रभावित थे। तो उनके दिमाग में एक विचार आया और 1925 में महात्मा गांधी ने जो हरिजन का अखबार निकालते थे उसमें उन्होंने एक लेख लिखा, और उस समय उस लेख में ही क्रिटिसाइज द फिजिशियन ऑफ आयुर्वेदा ऑफ दोज एरा फॉर नॉट टेकिंग एनी एडवांटेज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मॉडर्न साइंस एंड मॉडर्न मेडिसिन एंड कंबाइंड विद एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड मेक ए यूजर फ्रेंडली मेडिकल सिस्टम टू कैटर द नीड ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। गांधी जी ने लिख दिया। गांधी जी का बहुत विरोध हुआ उस समय के जो कांड वैद्य थे, बोले गांधी जी कौन होते हैं, हम तो अपने आप में पूर्ण, किसी भी विद्या का पतन उसी दिन हो जाता है जब वो कहते हैं मैं अपने आप में पूर्ण, विद्या का नहीं व्यक्ति का भी हो जाता है। गांधी जी वाज ए मैन ऑफ कन्विक्शन। उन्होंने कुछ समय के बाद एक आर्टिकल और लिखा, एंड दिस टाइम ही नॉट ओनली एंडोर्स व्हाट ही सेड अर्लियर, ही क्रिटिसाइज्ड द फिजिशियन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन ऑफ दोज एरा working in India for not taking any advantage of the existing knowledge and wisdom of Ayurveda and combined with available tools of science and modern medicine and develop a user-friendly medical system of India to cater the need of its people. बात आई गई होगी, और गांधी जी के अंदर एक खासियत थी। और आज भी आप देखते हैं कोई भी पार्टी होती है गांधी जी बोलता ही है, कोई भी अपोज नहीं कर पाता, चाहे बंद कमरे में कुछ भी बोले पर पब्लिक में आके गांधी जी के बारे में नतमस्तक होना ही पड़ता है। तो गांधी जी में क्या था, गांधी जी वाज़ ए मैन ऑफ कन्विक्शन, केवल बोलते नहीं थे करते भी थे, और उनके सिपहसालार थे जो आज के भारत रत्न पंडित मदन मोहन में मालवीय थे, उनके सिपहसालार उस समय भारत रत्न नहीं थे, एक आम आदमी थे। गांधी जी ने कहा कि अब तुम इस मेरे जो आइडिया है जो मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेद और एलोपैथ के ज्ञान को समन्वय करते हुए एक BIM बैचलर ऑफ इंडियन मेडिसिन बने, तो मदन मोहन में मालवीय जी ने ठाना और उन्होंने उत्तर भारत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, घर से एक एक ईंट लेकर कितना प्रयास किया होगा, और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक अभिनव प्रयोग हुआ BIM बनाने का। तो वहां पर सिविल सर्जन भी पढ़ाते थे और वैद्य भी पढ़ाते थे, जो दोनों एक दूसरे को नहीं देखते थे, पर एक छात्र था जो ब्रिज था, एक पार सिविल सर्जन थे एक पार वैद्य लोग थे, और वहां से जो पहली डिग्री आई BIM। पर वो जो एरा था वो कम्युनिकेबल डिजीज का था, दुनिया में 80% लोग कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित थे और 20 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से पीड़ित थे। कम्युनिकेबल डिजीज में मॉडर्न मेडिसिन आशुकारी प्रभाव करती है, अगर किसी को मलेरिया है तो मलेरिया का आइसोलेशन करके हेतु चिकित्सा करती है, टाइफाइड है तो टाइफाइड का बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करके हेतु चिकित्सा करती है, टीबी के जो पैथोजेंस है उसको आइसोलेट करके उसको आइडेंटिफाई करके उसकी चिकित्सा करती है, हेतु चिकित्सा, और मरीज ठीक होते हैं। तो ये जो नए छात्र निकले इन्होंने उस एलोपैथी को समाज में क्योंकि जरूरत थी उन्होंने वो भी करना शुरू किया। अब आयुर्वेद की चिकित्सा में युक्ति प्रमाण का इस्तेमाल होता है, अनुमान प्रमाण का इस्तेमाल होता है, परंतु एलोपैथिक चिकित्सा में केवल प्रत्यक्ष प्रमाण का इस्तेमाल होता है। तो डॉक्टर्स कम थे, पब्लिक ज्यादा थी, और वहां से निकलने वाले जो छात्र थे उन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान को बाजू में रखा, क्योंकि दिन रात वो बिजी रहते थे BIM बना। फिर वहां एक दिन हड़ताल हुई कि साहब हमारे आगे भी BIMS लगना चाहिए, BIMS बना। अब होड़ हो गई, वो MBBS है हम BIMS है, क्योंकि वो तो सिविल सर्जन थे वो अलग थे, तो कायदे में ये जो BIM थे ये BIMS थे, ये ज्यादा विद्वान थे क्योंकि वो अंग्रेजी भी पढ़ते थे, अंग्रेजी का मॉडर्न ज्ञान भी पढ़ते थे,
और आयुर्वेद का परंपरा ज्ञान भी पढ़ते, परंतु हीन भावना से ग्रसित हो, और वो आज चलती आ रही। फिर बाद में इसका नाम BMS हुआ, उनका 5.5 साल का कोर्स है तो हमारा भी 5.5 साल का, उसके बाद MD है तो हमारी भी MD, हम उसी बॉडी नकल में रह गए। उनका सफेद कोट है तो हमारा भी सफेद कोट, उनके गले में स्टेथोस्कोप तो हमारे भी स्टेथोस्कोप, वो चला गया। परंतु मैंने BSc किया और BSc करने के बाद BMS किया, और ये काल है 78 का। आयुर्वेदिक कॉलेजेस में देश में 40% सीट खाली रहती थी, जो होते थे वो भी अपना कोर्स बदल लेते थे। आयुर्वेद पढ़ने उस एरा में कोई नहीं जाता था जब मैं जाता था, बहुत ही थके हुए लोग जाते थे। परंतु मेरी बुद्धि ने कहा, क्योंकि मेरे पिताजी वैद्य थे, इलाज करते थे, तो मैं अपनी स्लाइड में यही सब दिखाऊंगा। और मैंने एक पाथ बनाया, मैंने BSc करी मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद पढ़ी ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो मैं अपने को एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं BMS हूँ। और आज जो मेरी शोहरत है, मेरी शोहरत में कोई कमी नहीं है, देश के हर कोने में लोग मुझे शक्ल से नहीं नाम से सब जानते हैं, और फख्र है मुझे। पर किस क्यों जानते हैं, क्योंकि वो जो मेरी पहचान है वो केवल इसीलिए है कि मैंने आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन का एक ब्रिज बनवाया। और जैसा कि चरक ऋषि ने कहा है, प्राणिना मार्ती नाश्तम, कि मुझे रोगों को ठीक करना इनके लिए किया। तो ऐसा करने से BMS एक रिसोर्स पर्सन बन जाता है। रिसोर्स पर्सन कौन होता है, जो अपने लिए कमाता है और दूसरों को भी नौकरी देता है, देश को भी पैसा देता है। ऐसा नहीं कि हमने BMS किया, MD किया और मास्टर जी बन गए तो हम क्या हुए, हम रिसोर्स पर्सन नहीं बने, हम एक लाइबिलिटी बने किसी भी सिस्टम में। तो कैसे एक BMS रिसोर्स पर्सन बनता है, तो आज करीब 135 लोग मेरे लिए काम करते हैं। तो देश के जो विकास में योगदान देना, आयुर्वेद के विकास में योगदान देना, समाज के लिए उपयोगी बनना, एक रिसोर्स पर्सन होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का संबोधन शुरू करता हूँ। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि आप BMS का कोर्स कर रहे हैं, आप इससे बहुत लोगों को मलाल होगा कि उनका MBBS में दाखिला नहीं हुआ, या उनके माँ बाप के पास डोनेशन के पैसे नहीं थे। परंतु मैं कहता हूँ गलत, आज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप BMS करने आए, क्योंकि और भारत में पैदा हुए, क्योंकि हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहाँ पर डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन जो है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज है एलोपैथी के साथ। मेरा दुबई में क्लिनिक रहा, मस्कट में क्लिनिक रहा, यूगोस्लाविया यूरोप में क्लिनिक रहा, मैं सब जगह एग्जाम पास देके रजिस्ट्रेशन हुआ। परंतु देखा क्या कि मैं सब जगह पैरामेडिक हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जैसे मैं हिंदुस्तान में इलाज करता हूँ, कोई भी मरीज आ सकता है, जैसे कोविड एरा में भी 42 मरीज मेरे पास आए और मैंने इलाज किया, क्योंकि मैं इलाज कर सकता हूँ। हाँ, उन पेशेंट्स का कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए, उसको छुपाते तो क्या करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, और जहाँ पर आयुर्वेदा का जो डॉक्टर है वो एक बोनाफाइड डॉक्टर है, वो चिकित्सा कर सकता है, बाकी जगह मसाज कर सकते हो, खाना खिला सकते हो, सब कर सकते हो, बुरा नहीं है, परंतु आप चिकित्सा नहीं कर सकते उन बीमारियों की जो कि ठीक हो सकती। और इस BMS का जो कोर्स है उसका एक यूनिक फीचर है जो कि MBBS को नहीं है। MBBS के फार्माकोपिया में जो चीज लिखी हुई है उसको वही दवा देनी पड़ेगी, परंतु एक BMS रजिस्टर्ड BMS और रजिस्टर्ड हकीम जो यूनानी का है, वो इन अपने नुस्खों को अपनी प्रैक्टिस के लिए बना सकता है और मरीजों को दे सकता है। ये यूनिक फीचर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हरड़ वेड़ा इससे त्रिफला बनता है, तो एक एक बाग है। परंतु यदि मैं वैद्य हूँ और मैं अपने क्लिनिक में 2 बाग बहेड़ा, 1 बाग आंवला और 1 बाग हरड़ मिलाना चाहता हूँ तो भी पॉसिबल है, और किसी को 3, किसी को 2, किसी को 1 करके मैं अपने मरीजों को दे सकता हूँ। और उस मरीजों को जब मैं दे रहा हूँ तो उसके लिए मैं मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स को भी फॉलो कर सकता हूँ। जैसे अभी रुद्रा पैनक्रियाटाइटिस बोलने की कोशिश कर रही थी, बोल नहीं पाई, तो डायग्नोस कैसे हो रहा है, मॉडर्न मेडिसिन का हो रहा है, और दवा को आयुर्वेद की है। तो हमारा देश का जो कानून है वो ये तो कहता है कि आपकी डिग्री आयुर्वेद में है तो आप एलोपैथी नहीं करेंगे, आपकी एलोपैथी में डिग्री है तो आप आयुर्वेद नहीं करेंगे। परंतु कोई कानून मेरे को नहीं रोकता कि मैं मॉडर्न का डायग्नोस
और आयुर्वेद की चिकित्सा का कम्बिनेशन करूँ, और उसके साथ जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसके तहत मैं अपने काम को डॉक्यूमेंट भी कर सकूं। तो हमको कोई नहीं रोकता कि हम एक पैथी का डायग्नोज और दूसरी पैथी की चिकित्सा करें, और जो भी करें उसका डॉक्यूमेंटेशन करें। तो ये बताने के साथ मैं सबसे पहले अपना बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि मैं मेरठ में, हापुड़ मेरठ के पास एक जगह होती थी नौचंदी के पास, वहां पर एक रामनगर गली में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी भी वैद्य थे और मेरी माता जी उनके साथ ये रस चिकित्सा करते थे, अपनी दवाई बनाकर चिकित्सा करते थे, जो कि पारे के साथ और धातुओं के साथ। और मैंने अपने जीवन काल में, क्योंकि वो घर के अंदर ही था, मैंने देखा कि कैसे कुछ मरते हुए मरीज उनके पास आते थे और ठीक होते थे, पर बहुत सारे लोग ठीक नहीं होते थे। कोई बात नहीं, जो नहीं ठीक होते थे उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया, परंतु जो लोग ठीक होते थे मैंने देखा कि इसके पीछे रहस्य क्या है। और ये जो तरीका था दवा बनाने का और प्रैक्टिस करने का तरीका था, ये मैं लगातार उस समय सीख रहा था जब मैं बीएससी भी कर रहा था डीएन डिग्री कॉलेज से, और आयुर्वेद की प्रैक्टिस को देख रहा था। और जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि ये जो बीमार ठीक हो रहे हैं मेरे पिताजी के पास, ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार ठीक हो रहे, तो इसके पीछे कोई विज्ञान छिपा हुआ। तो उस ज्ञान को विज्ञान में परिभाषित करने के लिए अगर हम अनुसंधान का सहारा लेंगे, अनुसंधान मतलब कोई चीज, नई चीज को, पुरानी भी है उसको नए कलेवर में पेश करना, तकनीकी के साथ पेश करना उसे है, तो उसके साथ मैंने प्रण किया कि मैं बीएससी करने के बाद बीएमएस करूंगा। और बीएमएस करने के बाद जब मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद भी बहुत दुनिया घूमा, 300 बार से ज्यादा विदेश यात्राएं मेरी हैं, और देखते देखते मुझे एक मॉडल मिला 80s में, इसका नाम था पॉजिटिविज्म। और ये पॉजिटिविज्म क्या है? न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, ऊपर से फल गिरता है, अचानक उसके दिमाग खिड़की की गिरती ऊपर से नीचे क्यों गिर, तो फल को ऊपर फेंकता है तो फिर नीचे आता है, और तेजी से ऊपर फेंकता है फिर नीचे आता है। तो उसकी ऑब्जर्वेशन थी अगेन अगेन कि देर इज ए गुरुत्वाकर्षण जो जमीन को खींचता है। पेनिसिलिन नाम का एक आदमी फ्लेमिंग्स, वो अपना लैब में काम कर रहे हैं, अचानक उनकी ऑब्जर्वेशन होती कि एक जगह फफूंद थी और वो फफूंद पैदा हुई तो इन्फेक्शन खत्म हो गया। उसकी ऑब्जर्वेशन से पेनिसिलिन का आविष्कार हो गया। एक डेंटिस्ट थे बोस्टन के, उन्होंने देखा कि लाफिंग गैस चैम्बर पर कोई आदमी हंस रहा है, उसकी टांग पे चोट लगी है फिर भी हंस रहा है, उससे नाइट्रस ऑक्साइड नाम की एनेस्थीसिया कर। जेम्स वाट की ऑब्जर्वेशन से आपका इंजन, मेंडल की ऑब्जर्वेशन से फादर ऑफ जेनेटिक्स, मैग्नस नाम के चरवाहे से मैग्नेट का आविष्कार। ये जितने भी मॉडल थे वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड थे। ऑब्जर्वेशन थी विद सेट पैरामीटर, उससे हाइपोथेसिस पैदा हो रही थी, उससे थ्योरीज पैदा हो रही। तो वेस्ट ने आविष्कार का ढेर लगा दिया, चाहे वो आल्पिन क्या ना हो, चाहे पंचिंग मशीन क्या ना हो, चाहे कुर्सी क्यों नहीं हो, या जो भी आजकल की चीज है। आज जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं आप तो उससे संवाद करने की, ये भी वेस्ट की देन है। बहुत कुछ किया, परंतु अब दवाई के तौर पे उन्होंने एक नया रूल बना दिया। पहले ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस से थ्योरी की बात थी, अब उन्होंने कहा पहले थ्योरी होगी फिर हाइपोथेसिस होगी फिर ऑब्जर्वेशन होगी, और इसके लिए 15 साल का लंबा सफर और $1.8 बिलियन तो बहुत पुराना हो गया, ये स्लाइड मेरी पुरानी है, ये शायद $2.6 बिलियन हो चुकी है। ना 9 मंथ देर होगा ना राधा ना चाहिए। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी चाहें कि हम किसी ड्रग डेवलपमेंट पे सरकार का पैसा दे दें तो नहीं दे सकते, हथियार जरूर दे सकते हैं पर रिसर्च के लिए पैसा नहीं दे सकते। और अगर हमारी फार्मा कंपनी भी अगर चाहे तो उनका तो टर्नओवर भी इतना नहीं है, परंतु हम इस मॉडल को फॉलो कर ही नहीं सकते जो थ्योरी से ऑब्जर्वेशन के लिए जाता है, क्योंकि हमारे जेब में पैसे ही नहीं है। परंतु हम आज के कानून के हिसाब से ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और थ्योरी को कर सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको कि एक वैद्य अपनी दवा बना सकता है, मरीजों को दे सकता है, उसको डॉक्यूमेंट। तो जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं अब आपको
प्रमाणों के साथ दूंगा, एग्जाम्पल के साथ दूंगा, और इसमें सबसे पहले है एक्यूट थ्रोम्बोलाइटिस एनीमिया, एक तरह का ब्लड कैंसर है। इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसको इलाज नहीं मिले तो एक महीने में मर जाएगा। प्लेटलेट कम होते हैं, अचानक ब्लीडिंग होती है जैसे डेंगू में होती है, इस तरह मरीज मर जाता है। और मैं बात करूंगा उस दशक की जब कीमोथेरेपी भी नहीं थी, तो ये दवा थी। और मेरे पिताजी ने एक दवा बनाई जो चांदी की धातु पर आधारित थी, चांदी की भस्म, उसके साथ जद्वार और चवारमोला मिला के, और अर्क गुलाब, अर्क वेदमुष्क, अर्क गाजवा, अर्क चंदन, इसमें घोट के उन्होंने गोली बनाई और उन्होंने इस केस को ठीक किया पहली बार 1982। कीमोथेरेपी कोई नहीं थी, बच्चा अलीगढ़ में था 10 साल का, डॉक्टर ने कहा था मुश्किल से इसको 2-3 दिन बचा सकते हैं, लगातार खून चढ़ता था, और वो बच्चा आज भी जिंदा है 37 साल, कोई कीमोथेरेपी नहीं। तो ये ऑब्जर्वेशन, जैसे आप थर्ड ईयर में हो 1982 में, मैं भी थर्ड ईयर बीए में था, पर मैं देख रहा था कि यहाँ पर कुछ हो रहा है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अभी 2 दिन पहले सुबह सुबह मेरे पास एक ईमेल आया, ये एडिटर है एशियन जर्नल ऑफ ऑन्कोलॉजी, मैंने इनको एक इस केस के बारे में, क्योंकि बहुत सारा जो साइंस के सपोर्ट डेटा होते थे 37 साल पहले वो सब नहीं था, और उसके हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी, तो मैंने लेटर टू एडिटर करके भेजा था, तो उनका जवाब आया कि आपका कंटेंट इतना स्ट्रांग है कि वी हैव एक्सेप्टेड इट एज ए केस रिपोर्ट फॉर आवर जर्नल, और आपकी जानकारी के बताना चाहते हैं कि आपका जो आर्टिकल है, पहली बार हम एक नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, कैंसर के बारे में छाप रहे हैं, बिकॉज आपका कंटेंट इतना बढ़िया है। तो ऐसा किस्सा हुआ, ये अभी मैंने आपको डिस्क्लोज किया है, क्योंकि परसों ये खबर मेरे पास आई है, उससे बाद ये मेरा पहला मौका है मैं संवाद स्थापित कर रहा हूँ। पर इसी तरह के कुछ केस और थे 1982 से 96 के बीच में जो ठीक हो रहे थे, और सारे ब्लड कैंसर का इलाज तो कोई कर ही नहीं सकता, तो ज्यादातर मरीज एपीएमएल के थे, पर उसमें M0 भी था, M2 भी था, M3 भी था, M6 भी था, M7 भी था, जिसको M3 बोलते हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं अपनी साइंस को डेवलप करूं, मैंने सरकार को प्रपोजल दिया, सरकार ने कमेटीज बिठाई, सरकार बहुत प्रॉम्प्ट कमेटी बिठानी, 1983 में बिठाई, 1961 में बिठाई, 1988 में बिठाई, 1996 बिठाई, और सब ने कहा कि यस दवा में दम है, इनको रिसर्च मिलनी चाहिए। और 14 साल के बाद जब मैं उस मरीज को ठीक कर चुका हूँ, उसके बाद 1996-97 में मुझे ये प्रोजेक्ट मिलती है, पायलट स्टडी सैंक्शन हुई, जिसमें मुझे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर दिल्ली में बैठ के इलाज करना था। इन मरीजों का डायग्नोज इलाज से पहले एम्स में होना था, और इलाज के दौरान, इलाज के बाद होना था, और इसके लिए मुझे 3,30,756 रुपए की प्रोजेक्ट सेक्शन 14 साल लगे थे। तो आज जब आप आयुर्वेद के छात्र हो, और मुझे पता फ्यूचर के क्लिनिकल रिसर्चर हो, तो सबसे पहले धैर्य चाहिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, आपको लगना पड़ेगा। और ये भी पता क्या हुआ, ये भी प्रोजेक्ट तब मिली जब वो 1982 का जो मेरा केस था, उसके फर्स्ट कजन देश के हेल्थ मिनिस्टर में। और ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था कि मेरे को सम्मान मिल रहा था, मेरे को एक मौका दिया गया था कि आप एक प्रोजेक्ट पकड़ेंगे, तो इसके लिए कैंसर रिसर्च कमेटी बनी, रेफरेंस लेबोरेटरी IRCH एम्स बना, और इसमें 15 केस हमको मिले, 8 रिलैप्स केस थे। रिलैप्स केस कौन है, जिनका एलोपैथी का इलाज हो चुका है, अब ठीक हुए हैं, फिर भी मनी पड़ी, इसका कोई इलाज दुनिया में। और 7 दिनों वो केसेस जिनके बारे में कहा गया है कि इनका इलाज नहीं हुआ तो 1 महीने में जाएंगे, पर तो ये हमारी गुडविल थी कि लोगों ने डायग्नोज कराते ही हमारे पास आना सोचा, और सबका इलाज वो मेरे से हुआ। इनमें किसी की प्रकृति नहीं देखी गई कि पित्त प्रकृति की कमल, केवल मॉडर्न डायग्नोज था, इनको मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से APML था, और इनको दवा क्या दी गई, नवजीवन एंड काम्बुजा। नवजीवन का नुस्खा मैं आपको बता चुका हूँ, फिर बता दो चांदी की फसल, पर ये मेरी SOP है, इस चांदी को खत्म बनाने में मुझे 3 साल लगे। पारा गंधक हड़ताल के साथ मारी हुई ये चांदी की भस्म 3 साल में तैयार होती है, और जब चांदी की भस्म तैयार हो जाती है, उसमें जद्वार और जवारमोला मिला के
इसकी गोली बनती है जिसे हम नवजीवन कहते हैं, और काम जो है क्लासिकल मेडिसिन ये दी गई, और अगर उनका प्लेटलेट PCR से कम था तब उनको खून चढ़ाया गया और इन्फेक्शन था तो एंटीबायोटिक दी गई। और उसके बाद क्या हुआ कि शुरू के 4 पेशेंट जो थे 1 महीने के अंदर अंदर मर गए, परंतु 11 मरीजों ने 90 दिन का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूरा किया, और 90 दिन के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बाद वो लोग पूरी तरह रोग मुक्त हो गए। कब? 1997-98 में, जो आज तक ठीक है। और इसी के लिए मुझे नवाजा गया पद्मश्री से 1999 में, और मुझे फख्र है कि मैं मेडिसिन की दुनिया का सबसे कम उम्र का पेशेवर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, चाहे एलोपैथिक आयुर्वेदा हूँ, जिसको कि भारत सरकार से सम्मान दिया गया। और सम्मान किसका था? ये सम्मान था रसशास्त्र का, सम्मान किसका था? आयुर्वेद का, सम्मान किसका था? डेटा का। और इसके बाद इस दवा को साइंटिफिकली डेवलप होना था। खैर 20 साल फिर लगे, और पिछले साल 1999 में जो काम मैं खत्म कर चुका था, पिछले साल CCRS ने इसका ड्रग डेवलपमेंट का प्रोग्राम मेरी रसशाला में शुरू किया है, जो कि भारत स्वतंत्र भारत में किसी इंडिविजुअल को इतना महंगा प्रोजेक्ट पहली बार दिया गया है, जो करीब 1.25 करोड़ रुपया लगेगा, जिससे इस दवा की रिप्रोड्यूसिबिलिटी सेट होगी कि बार बार जो हम बना रहे हैं वही बनेगा। और इसी दवा के लिए हमें US एंड यूरोपियन पेटेंट भी प्राप्त हो चुका। आपने अपने आप बोला और आपको किसी और ने बोला, तो ये जो मैंने अपने को बोला इसको भारत सरकार सबसे पहले 2016 में जो इंडो US मीट हुई थी ओबामा और मोदी जी के मिलने के बाद कैंसर एंड आयुर्वेदा, उसमें भारत सरकार ने इसको सक्सेस स्टोरी पे पेश किया। फिर 2018 में पुनः भारत सरकार और कैंसर के जो इंटरनेशनल संस्थान उसके बीच जो बैठक हुई उसमें भी इसको पेश किया गया। और नीचे जो आपको दो दिख रहे हैं ये दोनों पेपर मैंने पब्लिश किए हुए हैं। दूसरी मिसाल है रिफ्रैक्टरी क्रॉनिक माइग्रेन, ब्लड कैंसर से सीधे माइग्रेन, जो सबसे सबसे कॉमन हेडेक है, और आज दुनिया में करीब 22 करोड़ लोगों को सिर दर्द है। बीमारियों के बारे में कहा जाता है कि वो गंवार था, अनपढ़ था, गरीब था, देहात में रहता था, परंतु ये बीमारी रईसों की बीमारी, दुनिया के जो विकसित देश हैं उनकी बीमारी, पैसे वालों और पढ़े लिखों की बीमारी है, अर्बन पॉपुलेशन की। और हमारे देश में सबसे ज्यादा बीमारी के पीड़ित बेंगलोर में है, जो कि सिलिकॉन सिटी है, जहाँ पर तनख्वाहें बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, परंतु ये वहां की बीमारी। परंतु पिछले कुछ सालों में इस बीमारी का जो इंसिडेंसेस है दुनिया भर में बढ़े हैं, और WHO ने जिसको 19th डिबिलिटी कॉजिंग डिजीज का रैंक दिया था, इसके भयावता को देखते हुए उसका 7वां दे दिया, 7वां रैंक कर दिया। डिबिलिटी मीन्स जिस बीमारी से मानसिक और बौद्धिक क्षमता कम हो उसे डिबिलिटी। और क्योंकि ये बीमारी यंग एज में होती है, जो हमारे युवा लोग हैं और खासकर लड़कियां, उनको ये बीमारी ज्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले। अच्छा डायग्नोज कैसे हो? इट्स वेरी इजी टू से कि माइग्रेन कुछ नहीं है, दवा भेजा क्या, पर नहीं, ये जो डेफिनेशन है माइग्रेन की वो अलग हो गई है, मैं आपको बताऊंगा। परंतु माइग्रेन को डायग्नोज करने के लिए पूरी दुनिया में कोई टेस्ट नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, कोई इमेजेस नहीं है, तो और ना इसका कॉज ही पता है। तो फिर क्या होता है, क्यों होता है हमारा ये सब चीजें? सिटी स्कैन होता है, वो इसलिए होती है ये देखने के लिए कि इनको कोई और बीमारी, क्योंकि अगर कोई और बीमारी है तो उसको रूल आउट करके ही माइग्रेन का इलाज होगा। तो जब कोई चीजें नहीं मिलती और सिर दर्द मिलता है तब उसको माइग्रेन कहते हैं। और उसके लिए इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने एक क्राइटेरिया तैयार किया है जिसको हम कहते हैं IHS डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर माइग्रेन। कम से कम साल में 5 बार होने वाला सिम्टम, एपिसोडिक, ऐसा नहीं कि एक बार में 5, 4 से 72 घंटे तक रहने वाला, किसी दवा को खाए बगैर 4 घंटे से पहले जो ठीक ना होता हो, और 72 घंटे से ज्यादा बगैर दवा खाए रुकता ना, वो उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा पेन कैरेक्टरिस्टिक, पेन कैरेक्टरिस्टिक में उसमें 4 में से 2 ने चाहिए यूनिलेटरल और बायोलेटरल। जब शुरू में माइग्रेन आया था इसको हेमिक्रेनिया बोला था, आधे से गर्दन, हम वैद्य लोगों ने तुरंत इसको अर्धावेदक से कर दिया, पर अब परिभाषा बदल चुकी है 2006 से, अब ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाइलेटरल भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है।
pulsating in nature, moderate to severe intensity and aggravation by the physical problem. इस चार में से अगर दो मौजूद है पहले दो के साथ, तब माइग्रेन का नेक्स्ट है ड्यूरिंग अटैक. अगर उनको नौजिया वोमिटिंग होता है या फोटोफोबिया फोनोफोबिया आवाज अच्छी ना करना या रोशनी अच्छी ना करना, इसको माइग्रेन माना जा सकता है प्रोवाइडेड उसको कोई सेकेंडरी कॉज नहीं है. और सेकेंडरी कॉज है पर उसकी वजह माइग्रेन नहीं है तो उसको माइग्रेन कहा जाता है. जैसे मैंने कहा इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है तो मरीज इधर से उधर जाते हैं. तो मैंने 85 के दशक में मेरठ शहर में ही अपने क्लिनिक में पिताजी की मृत्यु के बाद पहला एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया था जिसमें 8 घंटे की नींद और 3 टाइम नाश्ता 3 टाइम खाना और नारियल गोदन से मिश्रण का मिक्सर बना के मैंने फायदा किया. और ये फायदा जो प्रोटोकॉल मेरे से पहली बार बना वो आज तक उसी तरह काम कर रहा है. और इसकी जेनेसिस यही है कि सबसे पहले एक मरीज जो शास्त्री नगर में रहती थी उनको कई साल से माइग्रेन था और वो मेरे पास जब आई अपनी एलोपैथिक आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी सारी प्रोफाइल लेके आई वो मेरे हाथ से ठीक हुई. एक कंसेप्ट बना और उसके बाद जो इंसिडेंटल जो लॉजिकल इंटरवेंशन हुई थी इसके बाद हमारे पास लगातार चलता रहा जर्नी. और हमने 2002 में प्रोस्पेक्टिव स्टडी जो हम कर रहे थे उसको चंडीगढ़ आयुर्वेदिक कॉलेज में किया. उसके बाद फिर प्रोस्पेक्टिव स्टडी फिर सेफ्टी स्टडीज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हुई, फार्माकोलॉजिकल स्टडीज हुई और इसके बाद हुआ रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल जो कि अल्टीमेट मेडिसिन है. रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल मीन्स आइडेंटिकल पेशेंट्स में दवा दी गई और जो भी हमने किया ये हम इंटरनेशनल लेवल पे लंदन में स्वीडन में अमेरिका में और अपने जर्नल्स में छापते रहे. तो ये जो रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल हुआ ये आपकी जानकारी के लिए ये ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हुआ क्योंकि माइग्रेन आज न्यूरोलॉजी के विभाग में है तो उसी के अंडर में इनको किया गया जिसमें डॉक्टर मंजित त्रिपाठी प्रोफेसर और वहाँ के HOD प्रोफेसर महापात्रा जो कि एक रिनाउंड न्यूरोसर्जन है वो इस सृष्टि में जुड़े रहे. मेरा नाम भी एक फॉर द सेक था क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर होना चाहिए था. और 4 साल में इसमें 154 मरीजों का एनरोलमेंट. अब आप बोलेंगे कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जहां पर 500 मरीज रोज आते हैं वहां पर 4 साल में 154 मरीज, बात जमी नहीं, बिल्कुल नहीं जमी. क्योंकि अगर आप टाइटल पढ़ेंगे तो टाइटल है रिफ्रैक्टरी एंड क्रॉनिक माइग्रेन. अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई वो कॉमन माइग्रेन की है पर रिफ्रैक्टरी के लिए जरूरी है कि उन्होंने कोई एलोपैथिक दवा खाई हो रोज खाई हो रोकने के लिए. एक तो होती है जब दर्द हो गया तब गोली खानी एबॉर्टिव पर एक होती है प्रोफाइलेक्सिस दर्द हो ही ना तो किसी मरीज ने वो दवा 2 महीने खाई वो काम नहीं करी फिर दूसरी खाई वो भी काम नहीं की तो कम से कम 2 बार 2 महीने के लिए जिसने प्रोफाइलेक्सिस खाई है उसी और उसको बीमारी से आराम नहीं है उसको रिफ्रैक्टरी माइग्रेन कहते हैं. तो हिंदुस्तान के मरीज डेटा नहीं रखते और डॉक्टर भी नहीं रखते तो बड़ी मुश्किल से 154 मरीज जो डेटा वाले थे इसलिए इसमें 4 साल लगे और उनको 2 ग्रुप में बांट दिया गया रैंडमाइज करके. रैंडमाइज मीन्स कि उसमें किसी को नहीं पता तो वो एक फाइल खींचते थे एक में आयुर्वेदा एक में एलोपैथी करके होता था. और इसका जो पैसा था ये भी एक बड़ी विचित्र बात है कि हमारी जो काउंसिल है उसने इस आइडिया को पानी में फेंक दिया. कहता ऐसा हो ही नहीं सकता नारिकल लवण माइग्रेन ठीक ही नहीं कर सकता. मैंने कहा भाई हो रहा है नहीं कर सकता. हमारी DST ने भी हमको रिजेक्ट कर दिया परंतु हिम्मत मर्दा मदद खुदा के तौर पे इप्का लेबोरेटरीज जो 4000 करोड़ की कंपनी है सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरोक्विन बनाती है उसके MD चेयरमैन श्री प्रेमचंद गोदा जी ने मेरी व्यथा को समझा और इन्होंने इसका पूरा खर्चा वहन किया हमारा काम हो गया. और ये है कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल. अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो लाल में लिखा है द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टडी इंडिकेटेड दैट आयुर्वेदा हैज सिग्निफिकेंट एंड sustainable effect in the profile prevention of migraine. और ये साइन बाई है डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी. हाथ जरूर कांपे होंगे क्योंकि वो लिख के दे रही थी पर ये काम उनके सामने हुआ था. हमने रैंडमाइज ट्रायल करके फिर से हमने आयुर्वेद की एक चीज की और ये करने वाला कौन है एक BMS वैद्य बालेंदु प्रकाश. अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एनीमिया की. ये भी एक बीमारी है जिसके लिए अभी मैं बात कर रहा था और हम लोग भारत सरकार के जितने भी प्रोग्राम है पिछले 70 साल में वो सब इसमें फेल हुए. जो आयरन देते हैं आयरन देना एक सन्निकृष्ट हेतु है पर विपरीत हेतु कुछ और है. उसके तहत मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया कि जिन लोगों को मैं सुशेखर सिथोप्लाजी का मेडिसिन देता हूँ उनके चेहरे थोड़े लाल हो जाते हैं. उसको
देखते हुए हमने एक न्यूमैक्स का एक मॉडल तैयार किया और इसके लिए हमने IFA के साथ इसकी स्टडी की। और ये पहली स्टडी है जिसमें एक ग्रुप को IFA दिया गया, एक को IS दिया गया जो नॉबसम है, और एक को SS दिया गया और एक को दोनों दिया गया। और इसके रिजल्ट बताते हैं कि जहां पर हमने SS दिया है सेकेंड लाइन, केवल SS, वहां पर सबसे कम साइड इफेक्ट है और जो रिकवरी है वो भी अच्छी खासी है। जबकि एलोपैथी में 1.1 था, तो किसी भी एलोपैथिक दवा से 1 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है उसको बहुत अच्छा माना जाता है, तो 1.5 1 ये है इसकी कहानी। फिर हमने दूसरी स्टडी की कि क्या जो हमने पहली स्टडी की थी वो बाकी में ठीक थी, तो साइंस का मीन स्केप्टिकल। हमने दोबारा स्टडी की और इस बार हमने 1500 बच्चों पे की। इप्कालैम ने पैसा दिया और ये स्टडी उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ की गई, जिन्होंने पैसा नहीं दिया पर परमिशन दिया। और इसमें भी हमको पता चला कि जो सूर्यशेखर सीतोपलादी का जो डबल डोज है 250 mg वो सबसे अच्छा प्रभाव दिखाती है और सस्टेनेबल दिखाती है। इस स्टडी में हमने ये भी किया कि 3 महीने के बाद सब दवा बंद कर दी, उनका 6 महीने के बाद असर देखा गया, तो उसमें ऐसा दिखाई दिया। तीसरी स्टडी, अब तक उत्तराखंड गवर्नमेंट थोड़ी सेंसिटाइज हो चुकी थी, अब की एक स्टडी बनी। इसमें 1.5 लाख रुपया स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा भी दिया और हमने जहाँ पर सूर्यशेखर सीतोपलादी न्यूमैक्स को दिया उसके साथ हमने इसको IFA के साथ दिया, क्योंकि देखने वाले जो डॉक्टर्स थे, जो DGHS थे, उनको लगा कि ये दवा आयरन को एब्जॉर्ब करे। बायोलॉजी तो जरूर होगी इसके पीछे, अब वो सही थे। और जब हमने इसको देखा तो आप देख सकते हैं कि जब इसको सूर्यशेखर रस को आयरन फॉलिक एसिड के साथ दिया गया तो गेन मिला 1.21, जबकि अकेले SS से 0.7 और जब IFA से 0.32। बट व्हेन दिस टू वर मिक्स्ड टुगेदर 1.21 हो गया था। तो इसका मतलब है कि जो न्यूमैक्स है ये आयुर्वेद की जो रस औषधि है जिसमें नॉबसम बिल्कुल नहीं है, ये बॉडी में से आयरन के एब्जॉर्ब को बढ़ाती है। तो ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट तैयार। तो रिजल्ट एट ए ग्लांस क्या हुआ कि नॉन आयरन कंटेनिंग आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन हैज सिग्निफिकेंट एंड सस्टेन्ड इफेक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूट्रिशन एनीमिया। और NAF, NIAF नॉन आयरन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन अलॉन्ग विद IFA shows significant and synergistic effect, तो इन दोनों को मिला सकते हैं। बहुत सारे लोग एलोपैथिक दवाई आयुर्वेदिक दवा मिलाते हैं, मैं आगे दिखाऊंगा कि उनको सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो फायदा करती हैं तो दोनों चलेंगी, नहीं करती तो आगे चलेंगी। और इसकी भी साइंटिफिक स्क्रूटनी ICMR के अंदर में हुई है और समय समय पर ICMR को देखता रह गया है। और भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री की जो एम्बिशन प्रोग्राम है टेक्नोलॉजी विजन 2035, अपने मेरिट से ये काम उसने जगह पा चुका है। अब हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस, जो कि हमारे नाक के अंदर एक सूजन है और उसके साथ हमें सिम्टम पैदा होते हैं जो मैं बताऊंगा, और ये एलर्जन से होते हैं। तो एलर्जन से हर एक को तो नहीं होते, किसी को क्यों होते हैं? क्योंकि उनका बॉडी का जो लोड है एंटी स्टमेनिक वो पुअर है, उनका इम्यूनोमोडुलेशन लोड वो पुअर है। इसके लिए जो डायग्नोज बहुत आसान है, इसका भी डायग्नोज AKRIA है, एलर्जिक राइनाइटिस एंड इम्पैक्ट ऑन अस्थमा। विदेशों की खासियत है कि हर चीज में क्वालिटी पैदा करते हैं, तो उन्होंने 7 सिम्टम्स की एक क्वेश्चनर तैयार की है। अगर इन 7 में से 2 मौजूद है तो एलर्जिक राइनाइटिस है, और अगर 8वां मौजूद है तो ये नहीं। तो 7 में से 2 मौजूद है, अगर 1 भी है तो भी नहीं है। तो उनका जो तरीका है डायग्नोज का उसी से यूनिफॉर्म किया था। तो आयुर्वेद का पर्सपेक्टिव है कि आयुर्वेदा में इसे एलर्जिक राइनाइटिस को प्रतिशय बोला है और कफ डोमिनेंट एंड नासाशोथ की बीमारी, और इसको मीठा खाने से, दिन में सोने से इन सब से होता है। और आयुर्वेद में अगर हम कड़वी चटपटी कैसेली चीज खाएंगे तो उसमें ये फायदा कर सकते हैं। तो इसके बिहाव पर मैं बताऊंगा इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई। 1997 में मुझे खुद जुकाम हुआ बहुत भयंकर, और सारी दवाइयाँ जो क्लासिकल थी मैंने इस्तेमाल की, एलोपैथिक भी ली, परंतु मैं ठीक नहीं हो रहा था। और आखिर में मैंने अपनी नब्ज़ पकड़ी, और नब्ज़ पकड़ने के बाद मैंने पित्त तिक्त और कषाय रस प्रधान और श्रोतंग जब देखा, तब मेरे पास एक एग्जिस्टिंग फार्मूली थी प्रैक्टिकल टी, जिसको मैं कैप्सूल फॉर्म में लेता था, मंडूल, उसको हमने दिया और हमारा काम आसान हुआ। तो इसका फार्मूला क्या है कि इसमें 18 जड़ी बूटी हैं और 1 भाग मंडूल बसम है, और इसके अंदर जो
गुण है दोष है कि इसका साइड इफेक्ट क्यों नहीं है कि इसमें मधुर रस अम्ल रस छह रस के पदार्थ हैं परंतु सबसे ज्यादा कटु और तिक्त के छह रस हैं, परंतु वो हर्बल ओरिजिन के हैं, पर इसके साथ ही इसमें मंडूर भसम है जो कि मधुर रस है। तो मधुर रस के जो गुण है वो उनके अवगुण है और जो उनके अवगुण है वो उनके गुण है। तो इस तरह क्रॉस क्वेश्चन वाला ये एक हमारा फॉर्मूला बना। देखिए कटु तिक्त छह के जो गुण है वो उसके साइड इफेक्ट है, इसके साइड इफेक्ट उसके साइड। इसी तरह रूक्ष लघु शीत तीक्ष्ण द्रवों के आगे रूक्ष के आगे स्निग्ध, लघु के आगे गुरु, शीत के आगे उष्ण। तो ये फॉर्मूलाशन इस तरह था कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं था पर सबका फायदा हमको मिल रहा था। और इसके लिए जैसे कि मैंने कहा कि जो मेरी प्रैक्टिस में हो रहा है वो एक चीज, दूसरे डॉक्टर कर रहे हैं वो भी एक चीज है, पर जब तक हम किसी चीज का रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल नहीं करेंगे तब तक हम अपनी बात को दमखम के साथ बैठ सकते हैं। और इसके लिए हमने ट्रायल किया केरल राज्य के कालीकट जिले के मल्लापुरम में पेरिथल मन्ना नाम की छोटी सी जगह पे, जहाँ पे 650 बेड का एक हॉस्पिटल था कोरोना हॉस्पिटल, वहाँ पर इसका ट्रायल किया गया और इसमें 180 लोगों ने शामिल हुए और ये ट्रायल चला एक साल, जिसमें पहले 4 महीने इनको दवा खिलाई गई और अगले महीने कोई दवा नहीं खिलाई गई। और ये आप इसमें देख सकते हैं, और इसमें एज ग्रुप 10 से ऊपर थी, सब मरीजों की कंसेंट दी गई, सब मरीजों के जो पैट स्कैन ये आपके जो सब लोगों की वो मंजूरी ली गई, और इसके साथ जो एथिकल क्लियरेंस लेके इसके बाद इसका काम शुरू किया गया। और इसमें जो हिस्ट्री थी जो डायग्नोसिस थे वो ARIA के ऊपर थे और 1 साल से 50 साल की इसकी थी। तो ये ग्रुप है, तीनों ग्रुप में ड्रॉप आउट करके एक जैसे हैं। और जब 4 महीने बाद हमको रिजल्ट मिला तो हमने देखा ग्रुप ए जिसमें केवल आयुर्वेदिक दवा दी गई उसमें 27% लोग ठीक थे बिल्कुल, जबकि एलोपैथी ग्रुप में 6.5 लोग ठीक। जब एलोपैथी आयुर्वेदा मिला गया तो उसमें भी रिजल्ट वैसे ही थे। फिर देखा गया फेयर में देखा कि उनको माइल्ड सिम्टम है पर नो नीड ऑफ एनी मेडिसिन, वो आयुर्वेदा में 58% हो गए थे और आयुर्वेदा में एलोपैथी में कुल 35% रह गए। तो ये हमारे पास एक डेटा निकल के आया कि जो आयुर्वेदिक दवा है इट इज 4 times मोर इफेक्टिव देन द नॉर्मल ड्रग। साइड इफेक्ट तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो, एलोपैथिक दवाई के साइड इफेक्ट जाने जाते हैं, आयुर्वेद वालों ने किए ही नहीं। तो हमने जब साइड इफेक्ट स्टडी की तब देखा गया कि एलोपैथी में 36% लोगों को साइड इफेक्ट हो रहा है तो आयुर्वेदा में 8% लोगों को हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये दवा 4 times लेस टॉक्सिक थी, इसका लेस साइड इफेक्ट था। और ये इसकी है स्टैटिस्टिकल डेटा है, अगर आप चाहें तो इसको नेट से ले सकते हैं, जिसमें ये पी वैल्यूज दिखा रही है। पी वैल्यू मीन्स स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कि ये जो दवा दी गई है ये एलोपैथी के सापेक्ष और दोनों कंबाइंड थेरेपी के सापेक्ष ज्यादा फायदा करती है और ज्यादा करती है। और आज ये दवा बाजार में मिलती है। और इसी तरह हमने जनवरी मामी के तहत भी सिंगल डोज मल्टी सेंटर स्टडी 100 लोगों पे हुई और मल्टी डोज स्टडी N50 पे हुई, और इन सब के बाद इसके बाद जो हुई जो कि साइंस है इन विट्रो स्टडी एंटीसेमिटिक इफेक्ट, और इससे पता चला कि स्लीज क्योर जिसका आज का नाम स्लीज क्योर है जनरल ने रखा हुआ है, स्लीज क्योर टेस्ट सैंपल हैज पोटेंशियल इन इनिबिटिंग द हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम मास्ट सेल रिगार्डिंग द रिस्क ऑफ एंटीएलर्जी। तो हमको पहली बार पता चला कि जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो कंपाउंड फॉर्मुलेशन है उनके अंदर एंटीस्टेमिक प्रॉपर्टी है, और इसी के साथ एक है नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी अमंग ऐसे और इसलिए क्योर टेस्ट सैंपल्स। और NK सेल जो होती है नेचुरल किलर सेल ये बेसिकली एक मार्कर है, इम्यूनिटी मार्कर है कि अगर ये हमारे पास नेचुरल किलर सेल प्रॉपर्टीज है तो इसके अंदर इम्यूनिटी की मार्कर है। तो ये दवा क्या हुई जो हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित है मॉडर्न के हिसाब से, इसके अंदर एंटी हिस्टामिनिक और नेचुरल किलर सेल प्रॉपर्टीज मौजूद। तो क्या है कि वी हैव आयुर्वेदा हैज एन एंटी एलर्जिक इम्यूनो मॉडुलेटर नॉन सेडेटिव नॉन स्टेरॉयडल एंड एविडेंट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एलर्जिक राइनाइटिस, और इसका रिजल्ट सरप्राइजिंगली
जब आप लिवोसिट्रिजिन लेते हैं तो एक घंटे में असर होता है, परंतु इम्बो लेने के बाद या सीसीओ लेने के बाद 2 मिनट के अंदर छींकें बंद हो जाती हैं। तो शी इज द फास्टेस्ट ड्रग रिकवरी फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। और आज की तारीख में ये प्रोडक्ट झंडू फार्मा कंपनी ने मेरे से खरीदा हुआ है और ये झंडू स्टील स्टोर के नाम से बाजार में उपलब्ध है ऑनलाइन। अब हम बात करेंगे एक आखिरी बीमारी के प्रोटोकॉल की जिसका नाम है रिकरेंट एक्यूट एंड क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, क्योंकि उदय बोल रही थी, रुद्रा बोल रही थी पैनक्रियाटाइटिस। तो पैनक्रियाटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि पैनक्रियास की सूजन है और ये वापस जाती नहीं, आगे बढ़ती जाती और मार देती है, इसका केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी एक दवा मेरे पिताजी ने 72 में बनाने चुकी थी तांबा पारा गंधक के साथ, और वो जब बन के रखी तब इन्होंने इसकी दवा दी, तो ये हमारे पास इंसिडेंटल डिस्कवरी है। परंतु ये काम हमने कर लिया, परंतु भसम क्या होती है, पारा है तांबा गंधा है। तो आप देखेंगे कि हमने इसको ISC बेंगलोर ने इसकी एनालिसिस कराई, पहली पुट के बाद 16 धारणा के बाद और 100 गुनी की धारणा के बाद, तो हमने देखा कि जो शुरू का ऑरेंज और नीला रंग है वो बाद में आते आते इतनी सारी पीक में बदल गया कि बिल्कुल एक अलग चीज बन गई। इसी तरह इसके ऊपर सेफ्टी स्टडीज की, आयुर्वेदिक दवाइयों में साइड इफेक्ट होते हैं, उसके लिए सेफ्टी स्टडीज हैं, OECD गाइडलाइन, एक्यूट सब एक्यूट क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। आज में पता चला कि 210 दिन तक देने के बाद भी ये दवा नुकसान नहीं करती है और इससे ज़्यादा का ड्यूरेशन का कोई टॉक्सिसिटी होता नहीं। इसके बाद आपकी दवा काम करती है क्या, पैरालाइज तो नहीं कर रही है क्या, कोई उसका साइड इफेक्ट तो नहीं जो दर्द खत्म हो रहा है? तो इसके लिए चूहों में L-arginine देकर पैनक्रियाटाइटिस पैदा की गई और 8 से 10 हफ्ते की स्टडी इसमें की गई। और इसके बाद इसके डिफरेंट ग्रुप बनाए गए, डिफरेंट डोजेज दी गई, एलर्जिन और आयुर्वेदिक एलर्जिन और डिफरेंट डोजेज के ये सेट बनाए गए। इसके बाद जो रिजल्ट आया ये दिस वर एस्टोनिशिंग, बिकॉज हम यहाँ पर पहली बार देख रहे थे कि एक आयुर्वेदिक दवाई जो बीमारी को ठीक कर रही है वो एनिमल मॉडल पे भी उसी बीमारी को ठीक कर रही है एक पर्टिकुलर डोज पे। अब समझ में आता है कि आयुर्वेदिक दवाइयों की जो डोज है वो कम क्यों होती है, क्योंकि कम डोज पे ही काम करती है, ज्यादा डोज पे नुकसान करती है और कम डोज पे फायदा करती थी। ये दो स्टडीज, क्योंकि पहली स्टडी के बाद हम स्केप्टिकल थे, हमने दोबारा कराई, तो आज हम बड़े फख्र के साथ कह सकते हैं कि 6,000 मरीजों ने ये जो दवा है 4 से 6 mg पर जब चूहों में दी गई, दोनों स्टडीज में इसके अंदर पैनक्रियाटाइटिस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखी गई। अब मैं आऊंगा अपने टोटल ऑल डेटा पे। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ शायद 1,000 मरीज पूरे हो चुके हैं, पर मैं 995 मरीजों की बात कर रहा हूँ। और इसमें सबसे एक अजीब सा चीज है कि 24 लोगों ने दवा ली पर शुरू नहीं की है। पर कब के केस है? ये पहले के केस है, लोग आते थे कि वैद्य की दवा खा रहे हैं, मरकरी है, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो मैंने दवा ली। हमारे पास 17 डेथ है जिस बीमारी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अमेरिका में 55% लोग 20 साल में मर जाते हैं और हिंदुस्तान में 90% लोग 10 साल में होते मर जाते हैं। तो हमारे पास जो पिछले 21 साल में डेथ रेट है वो केवल 7 का है, और वो ऐसे किसी मरीज का नहीं जो ठीक होके बहुत लंबे समय ठीक रहने के बाद किया बीमारी से। और इसमें 7 लोगों ने हमको बताया कि उन्हें रिलैप्स और रिकरेंस हुआ है या प्रोग्रेशन हुआ है, परंतु 465 लोग 995 का लगभग 50% लोग दवा बंद करके पूरी तरीके से जिंदगी कर रहे हैं, और 133 ड्रॉप आउट हैं और 344 पेशेंट आज हमारे पास इसके इलाज में शामिल हैं। तो ये तो हो गया, परंतु आप जो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या है? तो ये जो इम्पैक्ट मैं दिखाने जा रहा हूँ ये 476 वो मरीज हैं जिन्होंने 1 साल का इलाज पूरा किया, और 1 साल के इलाज से पहले जब वो हमारे पास आए थे तब उनकी जो पिछले साल में आयुर्वेदिक इलाज से पिछले साल में उनके इमरजेंसी अटैक थे 1763, जो कि इलाज के बाद घर के रह गए 104, जबरदस्त। और जो उनका हॉस्पिटलाइजेशन था हर अटैक के साथ 1097 बार वो घट के रह गए 36। बाकी वेट गेन और वेट बॉडी गेन दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री वो तो हो ही रहा था, परंतु सबसे बड़ा इंटरवेंशन आया। और इसको देखते हुए जो अमेरिका के लास्ट ईयर हवाई में अमेरिकन पैनक्रियाटिक एसोसिएशन और जापान पैनक्रियाटिक ज्वाइंट मीट की थी, उस 620 शोध पत्रों में जो 50 शोध पत्र चुने गए थे उसमें हमारा शोध पत्र इकलौता था। हम पूरे दुनिया में भारत देश से अकेले थे और पूरी दुनिया में ही हम अदर देन एलोपैथी से अकेले थे। और ये हमने दिखाया है कि ये जो बीमारी प्रोग्रेशन है
265 लोगों में ऑफ रेट जब हमने डेटा बनाना शुरू किया तो इसमें किसी भी तरीके का प्रोग्रेशन दिखाई नहीं देता है। और अब आएगी बात क्या कि सस्टेनेबल आयुर्वेद, बीमारी का ठीक होना एक बात है पर बीमार को ठीक रखना दूसरी बात है। तो आज हमारे पास जो सबसे पहला मरीज जनवरी 97 में आए थे वो 23 साल पूरे कर चुके हैं और इसी तरह मरीजों का नंबर बढ़ता जा रहा है। परंतु 400-476 में से 11 पेशेंट ऐसे हैं जिसमें 5 को रिलैप्स है, 6 डेथ है, जिसमें एक्सीडेंट भी है, हार्ट अटैक भी है। तो हम ये बोलेंगे कि आयुर्वेदिक जो अप्रोच है जो नशास्त्र पे आधारित है उसमें से नियरली 98% पेशेंट जिन्होंने 1 साल का इलाज पूरा किया है वो डिजीज फ्री स्टेटस कर रहे हैं। तो डेथ रेट इज ओनली 2% इन कंपेरिजन टू 55% ऑफ यूएसए एंड 90% ऑफ इंडिया। और ये जो समय समय पर हम अपने काम को अमेरिका में पेश करते रहे हैं हमको अफसोस कोई नहीं है क्योंकि हमको सबसे पहले अमेरिका से बुलावा आया, वहाँ पर हमने 3 जो अभी तक इंटरनेशनल किए वहाँ किए क्योंकि आयुर्वेद जगत के लोग पता नहीं मेरे को वैद्य नहीं मानने को तैयार कि वो तो भाई अंग्रेजी बोलता है, मॉडर्न मेडिसिन की बात करता है और एलोपैथिक डॉक्टर मेरे को डॉक्टर वैद्य डॉक्टर नहीं मानते हैं कि वो तो आयुर्वेद का है। परंतु कोई बात नहीं, जहाँ पर साइंस है वहाँ पर साइंस की कदर होती है और हमने वही किया है। और उसके बाद आज ड्यूरिंग कोविड काल और उसके अलावा भी पूरे देश भर में मैंने पैनक्रियाटाइटिस के रोगियों के ऊपर बहुत सारे शोध पत्र और अपने स्पीकर कॉन्फ्रेंस वगैरह में रखे हुए हैं और ये जो हमने बोला है इसके ऊपर ये सारे पब्लिकेशन हैं क्योंकि ये पब्लिकेशन हमारी सपोर्ट के आधार होते हैं। इसी तरह कुछ और प्रोटोकॉल भी है जैसे पुरनामा मंडूर से ब्रैक 20 चिसगादी बटी से किड ग्रो और क्रॉनिक फैटिक सिंड्रोम मल्टीपल स्क्लेरोसिस चाइल्डहुड अस्थमा क्रॉनिक अर्टिकेरिया पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। हमारा जो क्लिनिक है इट इज़ वेरी क्लियर, हम मॉडर्न डायग्नोसिस के जो क्लासिफिकेशन हैं उनके हिसाब से मरीजों को डायग्नोज करते हैं और उसके बाद मॉडर्न पैथोलॉजी वगैरह के साथ उनको ठीक करते हैं। हमारा फर्ज है मरीजों को ठीक करना, वो आयुर्वेद से ठीक हुआ या एलोपैथिक सोच से हुआ, एलोपैथिक सोच से डायग्नोसिस है और मॉडर्न मेडिसिन का आयुर्वेदिक मेडिसिन का इसमें प्रताप है। परंतु इन बीमारियों को हम आज खूबी से ठीक कर लेते हैं क्योंकि हमने इसको प्रोटोकॉल में बदला हुआ है। और अब मैं फिर से आ गया कि आप लोगों ने शायद अब तक समझ लिया होगा कि वो BMS कौन है। तो BMS एक रिसोर्स पर्सन है, उसके पास एक एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है, जॉब सेटिस्फेक्शन है, उसकी सम्मान है, उसकी वेल्थ है, उसका ग्लैमर है, अलॉन्ग विद वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस एंड रिकग्निशन ऑफ आयुर्वेद rather than merely wellness। हम आयुर्वेद में कहते हैं कि मसाज करा लो, वेलनेस कर लो, वेलनेस भी अच्छा है परंतु मरते हुए मरीजों को ठीक करने का मजा ही बहुत है। तो आप BMS जो छात्र हैं मैं आज के संबोधन से आपसे कहता हूँ कि आप BMS की डिग्री जरूर लें, बैचलर ऑफ आयुर्वेद एंड मॉडर्न मेडिसिन मॉडर्न साइंस मॉडर्न मेडिसिन, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। परंतु ये BMS के बाद आपको फर्दर डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको केवल अनुभव गेन करना है और आपकी प्रतिष्ठा आपकी डिग्री से नहीं आपके ठीक हुए मरीजों से होनी चाहिए, जिस तरह वैद्य बालेंदु प्रकाश के साथ है। तो मैंने आज आपके सामने एक BMS का मॉडल दिया, वो वैद्य बालेंदु प्रकाश BMS का मॉडल है और इसमें जो जो बेनिफिट मिले हैं वो सब वैद्य बालेंदु प्रकाश को मिल चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको देता हूँ धन्यवाद और अगर आपको कोई सवाल होगा तो मैं जरूर कोशिश करूँगा मिलने की, परंतु मेरे नंबर यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग आज के बाद भी यहाँ पर आने के लिए आमंत्रित है, जिससे कि आप अपने आप को स्थापित करके समाज में आयुर्वेद के जो फायदे हैं उससे जन जन की सेवा कर सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर वचनों के साथ में सर ने इतने सारे रिसर्च आर्टिकल्स जो सर के रिसर्च हुए हैं अब तक उसके बारे में सर ने हमें जानकारी दी। किसी का यदि कोई भी प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो वो सर से पूछ सकते हैं। बाकी सर हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं आपके और सदा आभारी रहेंगे, आपने हम बच्चों को अपना समय निकाल करके दिया। और अब मैं सर नहीं बोलूंगा, अब मैं कहूँगा वैद्य जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना समय निकाल करके दिया, आप इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, मार्गदर्शक हैं किस तरीके से हमें
आयुर्वेद में आकर के उसे समझना चाहिए, किस तरीके से कार्यप्रणाली एक तैयार करनी चाहिए और किस तरीके से एविडेंस मतलब प्रूफ के सहित काम करना चाहिए, ताकि लोग जो है वो भरोसा कर सकें। ये नहीं कि हम एक लेकर के अपना सामान और बैठ गए कहीं एक जगह बैठ गए और अपना चला रहे हैं, इससे लोगों का जो भरोसा है वो नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल आज हमें इस बात का ज्ञान हुआ कि एविडेंस यदि आपके पास में है तो आपको सपोर्ट बिल्कुल मिलेगा, सरकार भी सपोर्ट करेगी और पूरी दुनिया सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच सर। वैद्य जी, सर नहीं कहूंगा मैं, वैद्य जी ही कहूंगा। मेरी आंख देख के समझ जाते हो आप। सर स्माइल हाँ देखकर समझ जी जाते हैं, आप वैद्य जी, स्माइल स्माइल नहीं करते तो ये समझ जाते हैं कि अब हमने कुछ गलत कर दिया, वैद्य जी कहना होगा। वही ना सर, मतलब वैद्य जी गलतियां तो होते रहती हैं, लेकिन जो गलतियों को सही समय पे सुधार ले वो मेरे ख्याल से बहुत उत्तम कार्य होता है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, आपका सानिध्य प्राप्त हुआ हमें, इसके लिए हम हमेशा आपके कृतज्ञ रहेंगे। इस प्रकार का सानिध्य आगे भी आप हमें बच्चों को देते रहें। जैसे कि आपने बताया कि आप 3 गुना ही हमारे एज में भी हैं, तो 3 गुना ज्यादा माता पिता का प्रेम अब हमें आपसे प्राप्त हो पाएगा और आपसे वो शिक्षा हमें प्राप्त हो पाएगी। तो इसी प्रकार की जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी मार्गदर्शन है, आप हमें आगे भी करते रहें और अपना सानिध्य अपने इन बच्चों पर बनाए रखिएगा, क्योंकि आप ही के सानिध्य के साथ में इस जो ख्याति में, मैंने तो स्टार्टिंग से ही जब भी BMS में आया हूँ, वैद्य जी आप ही का नाम सुना है कि वैद्य वालेंदु सर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत इच्छा थी आपसे बात करने की, आप फेसबुक पे भी मेरा रिप्लाई करते थे तो बड़ा खुश होता था, बताता था, मैंने कहा हाँ आज वैद्य जी ने मेरा रिप्लाई करा, मुझे अच्छा लगा, आज रिप्लाई मिल गया मुझे उनकी तरफ से। फिर जब आपके सर पहली बार जब आपने इसे रिप्लाई किया था ना आशुतोष को, तो ये उस दिन इतना खुश था, मतलब इतना, और जब इसने मुझे बताया ना तो इससे ज्यादा डबल खुश मैं हुआ कि वाह भाई, मतलब मजा आ गया। नहीं था तो अप्रोच होना, आप तक पहुंचना सर बहुत, वैद्य जी बहुत अच्छी चीज थी, मुझे लगा आपसे इतना कोमल हृदय आप हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी अपना सानिध्य हम लोगों पर बनाए रखिए, हमें मार्गदर्शन देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के लिए, हमें इतना समय देने के लिए, हमें ताल्लुक करने के लिए, दोनों चीज़ों में कंपैरिजन स्टडी करने के लिए कि किस तरीके से हम अपनी तुलनात्मक अध्ययन के साथ भी अपनी पैसे को सर्वोत्तम रख सकते हैं और आगे हम इस चीज़ पर कार्य करेंगे, कार्यरत रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रणाम सर।